एलेक्जेंडर स्मिथ, जो खुद को एक टाइम ट्रैवलर बताता है, उसने कहा कि वो साल 2118 में गया था। जी हाँ दोस्तों, एलेक्जेंडर स्मिथ का दावा है कि वो साल 2118 में गया और उसने वहाँ जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने एलियंस और ह्यूमन रोबोट्स रिलेशनशिप पर भी बात की और इसके सबूत भी मौजूद हैं। तो आखिर एलेक्जेंडर ने ऐसा क्या देखा 2118 में, चलिए जानते हैं। एपेक्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में उसने अपने टाइम ट्रेवल के पूरे जर्नी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करता था और CIA के साथ काम करने के दौरान साल 1981 में CIA का एक एक्सपेरिमेंट था जहां उसे फ्यूचर में जाने को कहा गया था, जिसके लिए CIA ने बहुत भारी रकम दी थी ये मिशन पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके पास टाइम ट्रेवल के नाम पर एक प्रूफ है जो कि एक ब्लर फोटो है जिसमें ग्रीन कलर के अजीब से शेप्स के बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं और फ्लाइंग कार्स भी दिखाई दे रहे हैं। जब उससे पूछा गया कि ये फोटो ब्लर क्यों है, तो उसने कहा कि टाइम ट्रेवल की प्रोसेस की वजह से ये फोटो ब्लर है। पर जब एलेक्जेंडर साल 2118 में गया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाया और वहाँ एक नर्स आई और उसने कहा, आपने इतने ऑड कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जबकि वहाँ सभी ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जैसे लॉन्ग स्लीव्स एंड लॉन्ग पैंट्स। पर जब एलेक्जेंडर उस हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उसने देखा जो ह्यूमन यानी इंसान है उनके रोबोट्स के साथ रिलेशनशिप है। इसे ये पता चला कि फ्यूचर में ह्यूमन रोबोट रिलेशनशिप होने वाले हैं। तो क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? और एलेक्जेंडर ने यह भी कहा, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत से सिटीज या फिर कंट्रीज पानी के नीचे डूब जाएंगे। और ये सच भी है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एलेक्जेंडर ने एलियंस के बारे में भी बात की। उसने कहा कि 21 सदी के बीच में एलियंस धरती पर आएंगे और उसने ये भी कहा कि वो एलियंस हमसे कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड है। टाइम ट्रेवल मुमकिन है या नहीं है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और एलेक्जेंडर की बात कितनी सच होती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।